आपकी स्किन ड्राई हो रही है इस सर्दी के मौसम में? अगर आपकी स्किन को डलनेस और ड्राइनेस की प्रॉब्लम है तो यकीन मानिए आज की वीडियो इस सब प्रॉब्लम को दूर करने में महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाली है। हेलो ब्यूटीफुल इंडिया, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल झलक जिंदगी में। आ जाइए शुरू कर देती हूँ आज की वीडियो। एक ग्लिसिन हमको 5 तरह से फायदे पहुंचा सकती है। वो 5 फायदे क्या क्या है मैं बताती हूँ। आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, आपके एक्ने के लिए, आप एज ए बॉडी लोशन भी यूज कर सकते हैं और मेकअप को रिमूव करने के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। तो है ना इसके 5 फायदे। ग्लिसरीन को हर टाइप के स्किन के लोग यूज कर सकते हैं, चाहे आपकी ड्राई स्किन हो चाहे आपकी ऑयली स्किन हो। ये ऑल स्किन टाइप के लोगों के लिए बनी हुई है। मान लेते हैं अगर आपकी स्किन बेहद ही ड्राई है, इतनी ज्यादा ड्राई होती लोगों की केकी फ्लेकी और यहाँ तक उसमें ड्राइनेस की वजह से उसके उनके फेस पे उनके स्किन पर इचिंग भी होती है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आप 2 स्पून मिल्क लीजिए और उसमें 1/2 स्पून ग्लिसरीन को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद हल्के हाथों से अपने कॉटन बॉल से अपने फेस पर लगाइए और उसको 20 मिनट तक लगाकर छोड़ दीजिए। 20 मिनट आपके कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद आप उसको साफ कर ले। आपको फेस वॉश करने की कोई जरूरत, हल्का सा आपको अगर वेट सा लग रहा है, कुछ लग रहा है आपने कि स्किन पर लगा हुआ और एनर्जी सा महसूस कर ले, बस अपने नैपकिन से उसको हल्का सा क्लीन कर ले ताकि आपकी स्किन स्मूथ लग जाए। और उसके बाद आप देखेंगे जब आप साफ कर लेते हैं तो आप देखेंगे जो आपकी ड्राइनेस की प्रॉब्लम थी वो चुटकियों में गायब हो गई और देखेंगे आप अपने फेस को ग्लो करने लगा, शाइन करने लगा। आपको 1 यूज से ही उसके फर्क दिखने लगेंगे। हाँ थोड़ा लिटिल लिटिल फायदा आपको पहुंच रहा है, लेकिन आप इसको अगर रेगुलर लगाते हैं तो आप यकीन मानिए आपकी जो ड्राइनेस की प्रॉब्लम है वो जड़ से खत्म होने वाली है। और जो जिनकी ड्राई स्किन होती है उनको जो एजिंग का प्रॉब्लम होता है ना, टाइम से पहले शुरू होता है। एजिंग का प्रॉब्लम आता तो सबको है, लेकिन किसका टाइम से पहले आता है? अगर थोड़ी सी हम केयर करते हैं, अपनी आपको मेंटेन करते हैं, तो हमारी एजिंग जो लेट शुरू होती है। अगर आपको एजिंग का प्रॉब्लम है, अगर आपकी स्किन बेहद ड्राई होती है, तो ये आपको एजिंग के प्रॉब्लम में फायदा पहुंचाने वाली है। मान लेते हैं कि अगर आप जैसे आप कपड़े को वॉश करते हैं, चाहे हम अपने हैंड से वॉश करें, चाहे हम अपने वॉशिंग मशीन में वॉश करें, उसके बाद जो हम उसको स्क्यूज करते हैं, तो आप अपने फैब्रिक को देखिए ना, कितने उसमें रिंकल्स और स्क्यूज सुकड़े सुकड़े से दिखते हैं। वही लॉजिक आपके स्किन के साथ भी होता है। अगर आपकी स्किन से मॉइस्चर उड़ जाता है और स्किन ड्राई हो जाती है, तो बिल्कुल फैब्रिक की तरह आपकी स्किन पे भी एजिंग रिंकल्स दिखने लगेंगे। इसलिए बेहद जरूरी है अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इस वाले सॉल्यूशन को जरूर यूज करें ताकि ड्राइनेस डलनेस के साथ साथ आपकी जो एजिंग की प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाए। जो दूसरा ग्लिसरीन का फायदा है वो है हमारे बालों के लिए। हम ग्लिसरीन को बालों के लिए भी यूज कर सकते हैं। आपको क्या करना, आप कोई भी ऑयल यूज करते हो, चाहे आलमंड ऑयल, चाहे आमला ऑयल, किसी भी प्रकार का अगर आप ऑयल अपने बालों के लिए यूज करते हैं, तो बस उस ऑयल में आपको ग्लिसरीन मिक्स कर लेना है। अगर मान लीजिए आपको 4 स्पून जो ऑयल है आपके बालों में लग जाता है, तो उसमें 1/4 का रेशियो रखेंगे, तो आप 1 स्पून उसमें ग्लिसरीन डाल सकते हैं। उसको मिक्स करके आप बालों में लगा सकते हैं। देखिए बालों की ड्राइनेस की प्रॉब्लम होगी वो दूर होगी, उसके साथ जो आपको डैंड्रफ का प्रॉब्लम होता है इस सर्दियों में, वो भी इस सोल्यूशन से दूर होने वाली है। ग्लिसरीन को आप हेयर केयर रूटीन में शामिल कर सकते हैं। आप हेयर वॉश करने के बाद ग्लिसरीन को एज ए सीरम भी यूज कर सकते हैं, तो ये आपको बहुत ज्यादा फायदा बालों में भी पहुंचाने वाली। ग्लिसरीन का तीसरा फायदा, आप ग्लिसरीन को एज ए मॉइस्चराइजर, एज ए बॉडी लोशन भी यूज कर सकते हैं। ग्लिसरीन की जो बेहद कहते ना खूबी है, जो सबको पसंद आती है और जो कारगर है, ये आपके स्किन के अंदर जाके आपकी स्किन को नरश करती है और स्किन की जो ड्राइनेस है डलनेस है उसको जड़ से खत्म करती है। क्योंकि ये ग्लिसरीन एक तो नेचुरल है, दूसरी सबसे बेहद ही भरोसेमंद एक सोल्यूशन हमको मिला है जिसपे हमको विश्वास करना ही चाहिए, और इस सर्दियों के मौसम में उसके यूज करना तो बनता ही है। ये ग्लिसरीन की इसकी क्वालिटी हमारी स्किन को बड़े अच्छे से प्यार के साथ इस सर्दियों के मौसम में हमारी स्किन को संभाल के रखती है।
आपको 5 स्पून गुलाब जल लेना है और 1 स्पून ग्लिसरीन डालनी है, और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप किसी भी कंटेनर में, बोतल में उसको भर के रख सकते हैं, क्योंकि इसकी सेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा होती है। मान लो अगर आपने अगर एक बार भी बना लिया ना, तो ये पूरी सर्दी चलने वाला है। इसकी सेल्फ लाइफ इतनी अच्छी होती है, आपको किसी भी फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं। जैसे आप नॉर्मल अपना मॉइस्चराइजर, अपना बॉडी लोशन रखते हैं, वैसे इसको भी बनाकर आपको वैसे ही रखना है। और इसको फिर लगाते रहिए आप कंटिन्यूसली, जब तक सर्दियां लगाइए। फिर देखिए, आपको किसी भी मार्केट के जो मॉइस्चराइजर या कोल्ड क्रीम, उसकी कोई जरूरत नहीं। आपने पूरी सर्दी उसको लगाया, आपको मॉइस्चराइजर और कोल्ड क्रीम से 10 गुना बेहतर रिजल्ट आपको ये सोल्यूशन देगा। तो अपने नेचुरल जो ग्लिसरीन हमको मिला है, इसको यूज कीजिए, इसके फायदे उठाइए। और जो फोर्थ फायदा है ग्लिसरीन का, वो तो सबसे हटके है और मेरा फेवरेट भी है, और मैं इसको यूज भी करती हूँ। और आप सुनेंगे, मुझे यकीन है कि आप भी इसको यूज करना शुरू कर देते हैं। मैं ग्लिसरीन को एज ए मेकअप रिमूवर भी यूज करती हूँ। इसको थोड़ा सा अपने कॉटन बॉल में, कॉटन पैड में निकालिए, और आपका कितना भी हैवी मेकअप आपने कर रखा हो, बड़ी इजिली से पूरे फेस से हट जाता है। तो आप भी इसको, ग्लिसरीन को एज ए मेकअप रिमूवर भी यूज कर सकते हैं। पांचवा फायदा है ग्लिसरीन का, अगर आपको एक्ने का प्रॉब्लम हो रहा है, तो ग्लिसरीन को आप एक्ने को दूर करने में भी यूज कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 2 बूंद ग्लिसरीन चाहिए, और उसमें 2 बूंद ही लेमन जूस डाल दीजिए, और उसको मिक्स करके जहां आपकी प्रॉब्लम एरिया, जहां आपको एक्ने का प्रॉब्लम है, वहां पर आप लगा लीजिए। इसको कब लगाना है, अगर आप बेहतर रिजल्ट चाहते हैं और जल्दी फटाफट वाले रिजल्ट चाहते हैं, ताकि आपको जल्दी से एक्ने का प्रॉब्लम दूर हो जाए, तो सबसे बेहतर आप इसको सोते समय लगाइए। आराम से सो जाइए, सुबह उठिए, अपना नॉर्मल रूटीन, फेस वॉश कर लीजिए जो करना है आपको, और फिर अगर आप इसको लगाते रहते हैं, और एक्ने का प्रॉब्लम आपका जरूर दूर हो जाएगा। इसको ट्राई कीजिए। ये थी ग्लिसरीन के 5 फायदे वाली वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे और आपकी जो ड्राइनेस और डलनेस को दूर करती है, आपकी स्किन नरिश हो रही है, स्मूथ और शाइन हो रही है, तो इसीलिए मेरी वीडियो को पसंद कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ आप लोगों के साथ किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई वीडियो में। और वीडियो को प्यार देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।